अपने टूरिज्म लाइव खबरें। मैं इस समय बाराबंकी के नगर पालिका में आया हूँ, जहाँ पर एक हुनर मेले का आयोजन किया गया है। हुनर मेले का आयोजन में किन किन लोगों का योगदान है, और हमारे साथ मौजूद है इरम किदवाई जी। इरम किदवाई जी, इस मेले में क्या चीज़ें हैं? देखिए, हमारी ये फाउंडेशन है जो हमारे फादर के नाम से है, गयासुद्दीन किदवाई सोशल एंड वेलफेयर फाउंडेशन। तो उसी में हम लोग औरतों के लिए काम करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो एक बार, अब की बार ये पहली दफ़ा हमारे दिमाग में आइडिया आया कि जो घर में औरतें काम करती हैं, तो उन मतलब सभी लेडीज़ का ये सपना होता है कि वो एक कुछ अच्छा करें, आत्मनिर्भर हों, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, ख़ासकर बाराबंकी में। तो हमने ये सोचा कि अगर हम इस तरह का कोई मेला लगाएं जिसमें सारी लेडीज़ को ये चांस मिले कि वो अपना जो भी करती हैं, जो भी उनकी स्किल है, उसको वो दिखाएं, तो बस यही ऑब्जेक्टिव था हमारा। बहुत ही अच्छा काम है इरम बाजी का ही, और हम सब उनके साथ हैं। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है उन्होंने, और यकीन होगी उसे कामयाबी है बुशरा, खुशी के साथ जो हर इम्तिहान से गुजरे। बहुत ही अच्छा संदेश है ये, और बहुत अच्छा नेक काम है। हम सबको आगे बढ़ना चाहिए, बाराबंकी मोहब्बतों का शहर है, और इस बात का सबूत आज इस मेले में हमको बहुत अच्छे से दिख गया। बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तरह तरह की स्टॉल लगी हुई हैं, हैंडवर्क और सूट्स, ज्वेलरी, हर चीज़ का स्टॉल है। बहुत अच्छा रिस्पांस। आइए, यहाँ पर जो जिन लोगों ने स्टॉल लगाया हुआ है, उन लोगों से भी बात करते हैं कि स्टॉल लगाने के बाद वो कैसा महसूस होता है। कुछ लोगों को जोड़ दें, और हमें भी मतलब अच्छा लगा थोड़ा इस बार में, एक सोशल वर्क टाइप हो गया हमारे साथ, जो लोग जुड़े थे जिनसे हम छोटे छोटे काम कर रहे थे, उनको भी हम यहाँ पे उनका भी स्टॉल ले आए हैं। और हमारा अपना जो ये देखिए, ये हमारा कस्टमाइज कराते हैं करारे और सूट साड़ी सब हम लोग कस्टमाइज ही मेरा है सर। बहुत सालों से। आपका नाम? जी, रीनू त्रिपाठी। आप यहाँ पे क्या स्टॉल लगा है और किस क्या 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 चीज़ें? हम सेट का सामान बनाते हैं, बैंगल्स वगैरह सेट बनाते हैं, ऑर्डर भी बनाते हैं, ऑनलाइन भी बेचते हैं, और बस यही सब बनाते हैं। सारे स्टिच का जितना सामान होता है, बच्चों की फ्रॉक है, सूट है, लेडीज सूट है, और ये कुछ फ्लावर्स हैं बनेंगे, ये सब रनर है, बेल है, सब हैंड वर्क है। मेरे यहाँ आपको कस्टमाइज फुटवेयर मिल जाएगा, हैंडबैग हैं, पोटली बैग्स हैं, करारे हैं, सूट्स हैं, हर तरह की रेंज आपको मिल जाएगी। जैसे कि ये है, ये छोटी हो गई, ये इस तरह के आपको हर साइज का फुटवेयर कस्टमाइज आ जाएंगे लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग। हाउस मेकर, और हमारा घर कस्टमाइजेशन का ज्वेलरी कस्टमाइज हम करवाते हैं, कलर के अकॉर्डिंग डिज़ाइन हम सेल व्हाट्सएप पर डालते हैं, जैसे कस्टमर की डिमांड है उसके हिसाब से कलर और डिज़ाइन हम कस्टमाइज करवाते हैं। ये मेरा पहली बार वो है, हमने कभी इससे पहले कहीं लगाया नहीं, हम घर से करते हैं। मैंने मॉर्निंग फ्लेम स्किन केयर एंड मेकअप कॉस्मेटिक का स्टॉल लगाया है, जिसमें ब्रांडेड बैग्स वगैरह भी हैं, एंड स्किन केयर से रिलेटेड जिनको करता है, ये डाक्टर करते हैं, परफ्यूम वगैरह। और ब्यूटी पार्लर का भी सामान देख रहे हैं क्या? ब्यूटी पार्लर का भी हाँ, ये मेरा नाम है, और मैंने अभी अवार्ड भी जीता है 2023 में जो मेकअप आर्टिस्ट का, आप देख सकते हैं मेरे बैनर में जो है लगा हुआ है कि तनुश्री दत्ता जिससे मिस यूनिवर्स रही हैं, उनसे मुझे जो है मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड भी मिला हुआ है, तो मैं उसमें काम करती हूँ। हम ये बाराबंकी से ही है, और हमारा ये जो स्टॉल है, हम लोग लखनऊ महिला सेवा ट्रस्ट की तरफ से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर हमारे यहाँ असल में क्षेत्र की जो कामगार रोजगार से जुड़ना, उनको प्रशिक्षण देना, जिससे कि उनका स्किल डेवलपमेंट हो सके और वो इनकम जनरेट कर सके। हम लोग ये ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें ये हमारे यहाँ बेकरी की ट्रेनिंग होती है, ये हमारे यहाँ जो वोडा फोन आइडिया फाउंडेशन में RSP का प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम लोग किसान पहलों से जो हल्दी धनिया मिर्चा जो भी मसाले होते हैं वो खरीद के उसका प्रोसेस का काम, उसकी सेलिंग, उसकी पैकेजिंग का काम होता है। और जिसमें कि हमारे यहाँ ये सिलाई की भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें बहनों को एक छोटे कपड़े से लेके बड़े से बड़ा कपड़ा और बैग बनाना जो ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो अपना रोज़गार कर सके और आगे बढ़ सके। लगभग ऐसा लग रहा है कि घर से बाहर निकलेंगे तो हमें और अवसर मिलेगा, यहाँ पर आके और लोगों से मिले हैं, इससे लग रहा है कि हाँ हमें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा लोगों से।
और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो घर पर रहती हैं और बहुत से हुनर होते हैं उनके पास आगे? मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप भी इस तरह के इवेंट्स में शामिल होइए और आप भी अपने हुनर को आगे बढ़ाइए, आप ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं, वरना घर पर रहेंगे तो फिर भूखे ही रह जाएंगे। वर्क भी इसको बोलते हैं और ये वॉल पुट्टी और मिरर वर्क से बनाया जाता है। ये टोटल ये देखिए ये MDF बोर्ड पर बनाया जाता है और ड्रॉ करने के बाद पुट्टी और उसके बाद मिरर वर्क। इसको बनाने में कितना समय लगता है और कितने का बिकता है? कम से कम ये 4 दिन में तो बन जाता है, अगर आप रेगुलरली वर्क कर रहे हो तो 4 दिन में तो बन जाता है। दूसरी चीज़ है इसका कॉस्ट डिपेंड करता है कि ये साइज़ क्या है। साइज़ है ये हमारा 990 का है, वो जो इधर लगे हुए हैं ये 500 के हैं। पिंडी है मेवे की और सूजी आटे की, ये और ये मेरे हमने बनाया हरी धनिया के आलू। बाकी और मेरा ये आइटम आप देखें, ये है मुजाफ़र सिवई, ये बहुत स्पेशल है क्योंकि ये ज़्यादा लोग नहीं बना पाते, मेरा बहुत स्पेशल आइटम है ये।